गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मूल विधि आईपीसी या सीआरपीसी मॉक टेस्ट थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने टेस्ट की वीडियो बनाई है वो दो बना चुकी हैं, आज ये हमारी तीसरी वीडियो होगी और जो यूपी सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभकारी सिद्ध होगी। आप इसमें ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन नोट करते रहिए। शुरू करते हैं, देखना आईपीसी या सीआरपीसी पर आधारित आज दोनों पर हमारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले हम 50 वीडियो की दो वीडियो बना चुके हैं क्वेश्चंस की, तो 51 क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्युकारित करने तक का अधिकार प्राप्त है। मृत्युकारित मतलब किसी को मार देना, मान लीजिए कोई अगर अपराधी है तो क्या पुलिस उस पर गोली चला सकती है उसको गिरफ्तार करते समय? हाँ, उसकी कंडीशंस होती हैं क्या। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और वो फरार हो जाता है तो पुलिस उसको मार सकती है गिरफ्तार करते समय। सेकंड दिया है आजीवन कारावास, जिसको लाइफ सेंटेंस दिया गया है, जैसे रिगोरस इंप्रिजनमेंट होती है या लाइफ सेंटेंस है ना, आजीवन कारावास। अगर कोई आजीवन कारावास से दंड प्राप्त है तो उसमें अगर वो फरार होता है तो पुलिस उसको मार सकती है और मृत्यु दंड सजा प्राप्त को भी। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, आंसर इज सी, तो सी इसमें बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न में किस केस में अस्वस्थ मन को अनसाउंड माइंड कहा जाएगा। आप ये समझ लीजिए जैसे मैडनेस होता है, मैडनेस जैसे कोई व्यक्ति होगा पागलपन है अगर उसके अंदर, तो अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक आसान लैंग्वेज में समझिए, 1843 में केस हुआ था, ये धारा नंबर आईपीसी आ जाएगी, आईपीसी की सीआरपीसी की ये होगी 84 में बताया गया है कि अगर कोई पागल व्यक्ति किसी व्यक्ति दूसरे की हत्या कर देता है तो वो कोई अपराध नहीं करेगा। ऐसा केस किसमें था, मैकनोटन के केस में ऐसा हुआ था, मैकनोटन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना, एक्सप्लेन कैसे किया गया है। जैसे आईपीसी की धारा 84 मैकनोटन के वाद पर आधारित है। इस वाद में सेंट मार्टिन एक जगह का नाम है, डेनियल मैकनोटन, इस पूरे व्यक्ति का नाम क्या होगा पूरा, डेनियल मैकनोटन ने 1843 में एक पिस्तौल से एडवर्ड ड्रमंड को यह समझते हुए गोली मार दी कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री समझ लिया उसने, पीएम, तो प्रधानमंत्री को गोली मार दी और यह समझते हुए कि यह पीएम है, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पेल उस टाइम पर ये व्यक्ति थे वहां के पीएम, तो डरमंड की 5 दिनों के बाद मृत्यु हो गई और मैकनोटन पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया। मैकनोटन ने पागलपन के कारण दोषी नहीं होने का बचाव पेश किया, वो दोषी नहीं माना गया था क्योंकि उसके अंदर पागलपन था। पागलपन का नाम क्या होता है, तो मैडनेस या अनसाउंड माइंड, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन, निम्न में किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। आत्मरक्षा जो करनी है हमें खुद की भी और अपनी प्रॉपर्टी की भी, तो केस था जयदेव बनाम स्टेट या राज्य के विरुद्ध था, तो इसमें आत्मरक्षा कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी और खुद की भी। 54 दंड प्रक्रिया संहिता, देखना जो सीआरपीसी होती है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी सन 1973 किस दिनांक से प्रवर्त या लागू हुआ, प्रवर्त का मतलब लागू हुआ है ना, जो दंड प्रक्रिया संहिता होगी, ये दूसरी बुक का एक नाम है, जैसे हमारे भारत का संविधान या भारतीय दंड संहिता, ऐसी एक दंड प्रक्रिया संहिता किसी व्यक्ति को किस प्रकार का दंड जैसे दिया जाएगा, तो ये कब लागू हुआ, 1974 में 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ था। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। ऐसे तो देखना इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सीआरपीसी की फुल फॉर्म होगी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसकी फुल फॉर्म हिंदी में कहा जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। तो सीआरपीसी 1983 भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और यह 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी, ये डेट हमें याद रखनी है कि लागू कब हुई, 1974 में, 73 में तो पारित हुआ था इसीलिए नाम में लगा। सीआरपीसी में 37 अध्याय तथा कुल 484 धारा है। 37 अध्याय का मतलब क्या हुआ, जो इसके भाग हैं तो कितने हैं, 37, और जो धाराएं हैं सेक्शंस वो 484 हैं। या संविधान में भाग कितने हैं, 22, धाराएं कितनी, 395, यानी कि उसके धारा को संविधान की आर्टिकल कहा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 किस दिनांक को लागू हुई थी, 1 अप्रैल सन 1974 को ये लागू।
ये 73 पढ़ा जाएगा, 83 इसमें सन सीआरपीसी 1973। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञा और असंज्ञा अपराध समझते हैं पहले, इन पर बेस्ड काफी क्वेश्चन है। देखना ये कॉग्निजेबल है ना, संज्ञा अपराध कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञा अपराध क्या होते हैं, तो ये सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 में दी गई है, यानी कि भाग एक ही अध्याय एक हो जाएगा और उसकी धारा 2 में दिए गए, इनको अलग अलग परिभाषित किया गया है, संज्ञा अपराध क्या होंगे और असंज्ञा अपराध क्या होते हैं। तो संज्ञा अपराध समझिए कि बहुत ही जो गंभीर अपराध होते हैं, संज्ञा नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, इसमें जमानत नहीं होती। क्या देखना, संज्ञा अपराध गंभीर प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302। धारा 302 किस पर लगती है, जो हत्या करता है, हत्यारे पर धारा 302 लगती है, तो जिस पर धारा 302 लगी वो संज्ञा अपराध हो जाएगा, इसमें जमानत नहीं होगी इतनी आसानी से। और एक भारतीय दंड संहिता की धारा 304 दहेज मृत्यु, 304 बी पर दहेज मृत्यु, अगर किसी महिला की मृत्यु की गई है उसके हस्बैंड ने या उसके पति के नातेदारों ने अगर उसको मारा है तो दहेज मृत्यु, इसमें भी जमानत नहीं होगी। और एक बलात्कार रेप का मामला है 376, इसमें भी ये क्या संज्ञा अपराध माने गए हैं। तो इनके क्या शर्तें होती है और भी देखिएगा। नंबर सेकंड, संज्ञा अपराधों में अधिक सजा का प्रावधान है, अर्थात कुछ अपवादों के अलावा संज्ञा अपराध में 3 साल या अधिक से 3 साल से अधिक कारावास का प्रावधान है। कौन सा कारावास, कोई सा भी हो सकता है, सीआई या आरआई है ना, सिंपल आ जाएगा इंपैरिजनमेंट या फिर इसमें कठोर कारावास रिगोरस इंपैरिजनमेंट। और एक होगा नंबर 3 में, संज्ञा अपराधों के मामले में पुलिस को पूरा अधिकार है कि वह अपराधी या अभियुक्त को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, वो ना तो इसमें जमानत होगी और ना ही उसके वारंट की आवश्यकता है, यानी कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नंबर 4, संज्ञा अपराधों के मामले में पुलिस को यह पूरा अधिकार है कि वह संज्ञा अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही मामले की जांच कर सकती है। जो इंटरोगेशन या इंक्वायरी होगी ये मजिस्ट्रेट का कोई, यानी कि जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होगा न्यायिक दंडाधिकारी, उसके बिना ही यानी कि जज के बिना ही वो पूछताछ कर सकती है, अगर संज्ञा प्रकृति के वो अपराध है। नंबर 5, संज्ञा अपराधों के मामले में अपराध की कार्रवाई करने के लिए शिकायत नहीं करनी पड़ती, जरूरी नहीं कि कोई शिकायत भी की गई हो, पुलिस अपने स्तर पर कर सकती है। तो ये 5 उसकी शर्तें होती हैं, एक बार फिर से समझिएगा, जो ज्यादा गंभीर होते हैं उनको संज्ञा अपराध कहते हैं, कोग्निजेबल इंग्लिश में नाम हो जाएगा। और इसके क्या क्या कंडीशन होती है, अगर किसी पर धारा 302 लगी हुई है या धारा 304 है आईपीसी की सेक्शन या 376 376 है, तो उसके लिए शर्तें भी होती हैं। अब पढ़ते हैं असंज्ञा अपराध क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए या आप नोट करते रहिए, बहुत काम की चीज है आपके लिए, ऐसे सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए इनकी। असंज्ञा अपराध क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञा अपराध होंगे, असंख्य अपराध गंभीर प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में न आकर सामान्य प्रकृति के होते हैं, जो सामान्य होंगे है ना, मतलब जो बड़े केस नहीं होंगे हो जाएंगे। इसमें क्या क्या कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, जैसे आईपीसी की धारा 193 में झूठे साक्ष्य, किसी ने झूठी गवाही दी है तो क्या असंज्ञा अपराध हो जाएगा, इसके लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी और इसमें जमानत भी हो सकती है। दूसरा दिया है आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा उपहत्तीकरित करना, उपहत्ति का मतलब ये हुआ कि उसे हानि अंग भंग कर दिया, कोई हाथ पर चोट लगी या फिर चेहरे पर या सिर में चोट लगी हुई, उपहत्ति, उपहत्ति को इंग्लिश में हर्ट हर्ट कहा जाएगा। आगे इसमें भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 352 आक्रमण अपराधी बल प्रयोग करने के लिए, किसी पर अटैक किया गया है वो भी इसमें आ जाएगा। आईपीसी की धारा 417 में छल के लिए फ्रॉडरी है ना, जैसे फ्रॉड करते हैं छल कपट करना, ये इसमें आ जाएगा, झूठ बोलना या फिर उसको घुमा फिरा कर पेश करना। आगे है आईपीसी की धारा 465 धोखाधड़ी के लिए, अगर कोई धोखाधड़ी करता है ना वही फोर्जरी। एक इसमें आगे आईपीसी की धारा 497 जार कर्म या व्यभिचार, जार कर्म होता है जैसे बलात्कार होता है, और जार कर्म में क्या अंतर है, अगर किसी की पत्नी है और उसके साथ में कोई अभद्र व्यवहार करते हैं वो जार कर्म में आ जाएगा, समझो जैसे रेप कर दिया, हालांकि रेप इससे डिफरेंट होता है, उसके लिए 376 की धारा होती है, जार कर्म एक अलग है जिसको एडल्ट्री कहेंगे, एडल्ट्री क्या होता है कि किसी की पत्नी है और उसके साथ में हम कोई छेड़छाड़ करते हैं। खैर, दूसरा है आईपीसी की धारा 500 मानहानि, अगर हम किसको डिफेम कर रहे हैं मानहानि, इसमें क्या होगा, ये असंज्ञेय अपराध हो जाएंगे इस तरह से। दूसरी शर्त क्या दी है, असंज्ञेय अपराधों में कम सजा का प्रावधान है, अर्थात कुछ अपवादों के अलावा 3 साल से कम कारावास का प्रावधान है।
नेक्स्ट पॉइंट, असंज्ञ अपराधों के मामले में पुलिस अपराधी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसमें वारंट की आवश्यकता पड़ेगी, वारंट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट दिया गया है, असंज्ञ अपराधों के मामले में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकते, जो इंट्रोगेशन या इंक्वायरी पूछताछ वो करेंगे मजिस्ट्रेट के, जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक दंडाधिकारी या ये जज के आदेश होने चाहिए। नंबर 5, असंज्ञ अपराधों में मामलों में अपराध की कार्यवाही शिकायत से शुरू होती, इसमें कोई कंप्लेंट करेगा, FIR होगी, तब होगा ये मामला। नेक्स्ट, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हुए हैं। क्वेश्चन है, जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं, जमान जिनमें बेल हो सकती है हमारी जमानती, तो जमानती कौन से होंगे, असंज्ञ टेंडेंसी के होते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता लिखा ना, द प्र और से, इसको हम क्या कहेंगे, CRPC की जो बुक है, दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रथम अनुसूची में जिसमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है। जमानतीय क्या होते हैं, जो असंज्ञ होते हैं, असंज्ञ जो हमने अभी पढ़े, असंज्ञ अपराध के लिए है ना, ये जमानतीय अपराध होते हैं, इसमें जमानत हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 56, दंड प्रक्रिया संहिता है ना, CRPC की धारा 2C परिभाषित करती है, किसको परिभाषित करती है, संज्ञेय अपराधों के लिए है ना, इसी में लिखा है, यानी कि प्रथम भाग में लिखा धारा 2 में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है ना, कौन ये जांच कौन करेगा, देखना, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो दंडाधिकारी, जो ऑन द स्पॉट दंड भी दे सकता है और ये 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की सजा दे सकता है, इससे ऊपर है फिर न्यायाधीश आ जाएंगे ना, मजिस्ट्रेट जो होता है, जैसे SDLP मजिस्ट्रेट होता है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, हिंदी में मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी कहेंगे, तो दंडाधिकारी या न्यायालय के द्वारा जाँच की जा सकती है। नेक्स्ट दिया है, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिससे, असंज्ञेय अपराध यानी कि क्या होते हैं, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, असंज्ञेय अपराधों के लिए वारंट दिखाने ही पड़ेंगे, वारंट जारी होने चाहिए, अब गिरफ्तार हो सकता है। 59 है, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी को क्या, मजिस्ट्रेट, दंडादेश दे सकता है, कब वो आदेश देगा, दंड देने का यानी कि पनिश करने का, 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से या किसी भी राशि तक का हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, देखना 7 वर्ष से अनधिक ना होना चाहिए, नॉट मोर देन 7 ईयर्स, 7 वर्ष से कम ही होना चाहिए, मान लीजिए 6 वर्ष का है और उस पर कोई पेनल्टी लगा है, आर्थिक दंड भी लगा है, मान लो 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये की धनराशि, चाहे तो वो 10,000 रुपये की धनराशि का लगा सकता है पनिशमेंट, या फिर 7 वर्ष का, या फिर दोनों का लगा सकता है। आगे देखिएगा, 60, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत है, प्रथम वर्ग के है ना, तो जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट होंगे उनके लिए देखना, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो, जो प्रथम श्रेणी के होंगे 3 वर्ष से अधिक ना होने चाहिए, ऐसा दंड दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होंगे के न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है, तो जो सेकंड ग्रेड के होंगे 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास, द्वितीय श्रेणी के 1 वर्ष तक दे सकते हैं, और जो सेकंड प्रथम श्रेणी के होंगे वो 3 वर्ष तक दे सकते हैं, और जो फिर चीफ मजिस्ट्रेट होते हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 वर्ष तक दे सकते हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि कर सकेगा, क्या स्थिति में, किस स्थिति में, देखिएगा, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, अगर उसने संज्ञेय अपराध किया है। सेकंड दिया है, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश के द्वारा अपराधी घोषित किया गया है, राज्य सरकार का कोई चार्टर वो जारी हुआ है, उसको ब्रेक करके उसने कोई अपराध किया, तब भी हो सकता है। थर्ड वन दिया इसमें, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है, तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है, देखना बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, आपको बताया था वो संज्ञेय अपराध हो जाएंगे। 63, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 है ना, जो सेक्शन 41 है किसका, CRPC का, CRPC की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी,
पुलिस नियंत्रण कक्ष है ना, राज्य तथा जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण के ना, जिसे कंट्रोल रूम होते हैं, तो जिला स्तर के कंट्रोल रूम होते हैं और राज्य स्तर पर। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। जैसे सैन्य बल होते हैं ना, आर्मी या फिर मिलिट्री या BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सैन्य बलों में आ जाएंगे, इनकी डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो CRPC की कौन सी धारा है, 45 में है कि 45 में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है, तो 24 आवर्स हो सकती है। ये हमने संविधान में पढ़ा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 22 है ना, उसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम और सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है अपराधी को या अभियुक्त को, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ भी 24 आवर्स, लेकिन इसमें ले जाने का और लाने का समय शामिल नहीं होगा। मान लो पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करी किसी अपराधी को, अब ये जज के सामने ले जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जब ले जाना है तो इसमें ले जाने का समय नहीं होगा दिया हुआ। ये आर्टिकल नंबर किस में भी आता है, 22 में भी आता है, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है, तो वारंट जारी कब होगा हमारे लिए, भारत के किसी भी स्थान पर कहीं से भी हो सकता है जो दंड देने के पास जिनके एक अधिकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 67, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स CRPC की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी। 125, तो क्या दिया है इसमें, किस केस में ऐसा किया गया था, मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबान बेगम, ये केस था एक, तो डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा। 68, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है, विधि विरुद्ध, देखना आपको धारा 141 बताई थी, उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर ये कहीं एक स्थान पर होता है इकट्ठे होते हैं तो ये अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है इसको, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव ये किस में आता है, 141 में। फिर 144 के आधार पर, धारा 144 जैसे लगती है ना, आपने सुना भी होगा अखबारों में TV न्यूज़ पर, तो 100 धारा वहाँ पर इम्पोज करती है, उनको तितर बितर उनको डिस्पर्स करना है फिर वहाँ से, तो ये आदेश कौन दे सकता है, जैसे ए तथा सी दोनों, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार दोनों, ये इनके अधीन होता है, वो जमाव को वहाँ तितर बितर करने के लिए आदेश दे सकते हैं अपने एलाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है, यानी कि जो प्रथम सूचना FIR कहते हैं, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जा सकती है, केवल अजमानतीय और संज्ञेय अपराध के लिए, और किसी, इसमें ऑप्शन है फिर भी कि किसी भी अपराध के लिए, सी है केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में, केवल संज्ञेय अपराध जो होंगी उसमें ही दी जा सकती है, 154 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्न में कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, ये जो FIR होती है, FIR की फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है, तो कौन सा वाद इससे संबंधित है, FIR ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है ना, UP स्टेट का एक केस था, उसमें FIR के बारे में एक मार्ग वो दिया गया है, दिशा निर्देश गाइडलाइन दी गई। तो ये हमारे आज कुछ 20 क्वेश्चन थे इस पर आधारित, आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए, इनसे आपको परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल जाएगा। अगर आप उसमें कोई आपके पास क्वेश्चन पेपर हो उससे टैली करके देख सकते हैं कि जो हमने कलेक्शन तैयार किया इससे आपको क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।